नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को अपने बारे में कैसे बताएं? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं तो ज़्यादातर लोग ऐसा ही क्वेश्चन पूछते हैं, कहाँ से शुरू करें, क्या बताएं, पहले कॉन्सेप्ट को बताएं, कंपनी के प्रोडक्ट्स को बताएं, मार्केटिंग प्लान को बताएं, क्या बताएं, बड़े कन्फ्यूजन में रहते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब भी आप किसी को कुछ बताने के लिए जाएं तो सबसे पहले अपने आप से शुरुआत करें। हर व्यक्ति को सबसे पहले अपने बारे में बताना चाहिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कंपनी से बाद में जुड़ेगा, सबसे पहले वो आपसे जुड़ेगा। तो क्या बताएं, कैसे बताएं? आपको अपनी सेल्फ सक्सेस स्टोरी डेवलप करनी चाहिए। सेल्फ सक्सेस स्टोरी में अक्सर 10 पॉइंट्स के ऊपर आप जरूर बात करें। पहला पॉइंट, आप सबसे पहले अपने नाम के बारे में बात करें, आप कौन हैं, आपका क्या नाम है। दूसरा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। बहुत सारे लोग अपना नाम बता करके डायरेक्ट कंपनी के या कंपनी के कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाते हैं। नहीं, आपको अपने एड्रेस के बारे में बताना चाहिए। अब जब लोग एड्रेस बताते हैं तो बड़ी गलती करते हैं। कैसे? सपोज दैट मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ और अपने ही शहर में किसी से मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं अपने शहर में किसी से बात कर रहा हूँ तो अपनी सोसाइटी का नाम बताऊँगा, मैं उस सोसाइटी में रहता हूँ या उस एरिया में रहता हूँ। लेकिन अगर मैं अपने स्टेट में रहता हूँ तो पहले अपनी सिटी का नाम बताऊँगा और फिर अपनी सोसाइटी का नाम बताऊँगा। लेकिन अगर मैं दूसरे स्टेट में हूँ तो मैं अपनी फिर स्टेट का नाम अपने का बताऊँगा और अपनी सिटी का नाम बताऊँगा। बहुत सारे लोग पता है क्या गलती करते हैं, अपनी गली मोहल्ले में कहीं इधर उधर बात कर रहे होते हैं और कहते हैं मैं भी गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। नहीं, तो उनको और डिटेल में जाकर के बात करनी चाहिए। तो पहले नंबर पर उनको अपना नाम शेयर करना चाहिए, दूसरे नंबर पर उनको अपना एड्रेस शेयर करना चाहिए, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ रहते हैं। तीसरे नंबर पर हमेशा उसको अपनी एजुकेशन के बारे में बात करनी चाहिए। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में एजुकेशन के बारे में इसलिए बात नहीं करते, वो कहते हैं देखो मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ और सामने वाला कम पढ़ा लिखा है, और अगर मैं इसको बताऊँगा, इसके साथ शेयर करूँगा तो ये बोलेगा देखिए ये तो पढ़ा लिखा व्यक्ति है इसलिए ये कर सकता है, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ इसलिए मैं नहीं कर सकता। या बहुत सारे लोग इसलिए शेयर नहीं करते, उनको लगता है मेरी एजुकेशन कम है और सामने वाला जिसको मैं बता रहा हूँ उसकी एजुकेशन ज़्यादा है, तो पता नहीं वो मेरे साथ काम करेगा कि नहीं करेगा। देखिए, जब आप अपनी एजुकेशन शेयर करते हैं तो इससे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। अगर आपकी एजुकेशन ज़्यादा है और सामने वाला कोई व्यक्ति है जिसकी एजुकेशन कम है तो वो मोटिवेट होता है। जब इनकी एजुकेशन ज़्यादा है, इनके पास ज़्यादा समझ है और ये व्यक्ति इस बिजनेस को कर रहे हैं तो मुझे तो इसको डेफिनेटली करना चाहिए। और जब आपकी एजुकेशन कम होती है और सामने वाले की ज़्यादा होती है तो वो व्यक्ति कहता है जब इसकी एजुकेशन कम है उसके बावजूद भी ये इसको समझ करके कर रहा है, और अगर मेरी एजुकेशन ज़्यादा है और मैं इसको करूँगा तो मैं और अच्छे से करूँगा, तो उस वो और पॉजिटिव होकर के इस काम को करता है। तो तीसरे नंबर पर हमेशा अपनी एजुकेशन आपको बतानी चाहिए। चौथे नंबर पर आपको अपने करंट वर्क के बारे में बताना चाहिए या इससे पहले आप जो भी काम कर रहे थे उसके बारे में बताना चाहिए। अब जब आप करंट वर्क के बारे में बताते हैं तो बहुत सारे लोग एक बेसिक गलती करते हैं, अपने करंट वर्क को बहुत नीचे गिरा देते हैं। वो कहते हैं पहले मैं दुकान चलाता था, 10 साल तक मैंने दुकान चलाई, वहाँ से मेरा तो गुजारा नहीं हो रहा था, मेरा तो घर नहीं चल रहा था, ये नहीं हो रहा था, वो नहीं हो रहा था, मैंने तो 5 साल नौकरी करी, 7 साल नौकरी करी, 10 साल नौकरी करी, मैं तो वहाँ भूखा मर रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था मुझे। तो सामने वाला व्यक्ति कहता है जब तुम्हारा काम नहीं चल रहा था, वहाँ गुजारा नहीं हो रहा था, पैसा नहीं आ रहा था, तो आपको उस काम को चेंज करने में 5 साल लग गए, 10 साल लग गए, इतनी देर से आप डिसीजन लेते हैं। अगर मैं आपके साथ यहाँ काम करूँगा और बाय द वे यहाँ काम नहीं चलेगा तो आपको तो डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगेगा। तो आपको अपने उस करंट प्रोफेशन के ऊपर या जिसको आप पहले करते थे उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए। देखिए, अगर आपने 10 साल तक उस काम को किया है तो उस काम ने आपको कोई ना कोई पैसा दिया होगा, और पैसा दिया तो उससे आपका घर चला होगा, तो उसको भी रेस्पेक्ट करिए। लेकिन पांचवें नंबर का जो पॉइंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप उस अपने काम में क्या कमी महसूस कर रहे थे वो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और छठे नंबर पर, आपको नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट किसने बताया, कैसे पता चला, आप नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कैसे इंट्रोड्यूस हुए, तो इसके बारे में आप बात कर सकते हैं। सातवां पॉइंट, आप जब नेटवर्क मार्केटिंग में आए तो आपको यहाँ क्या अच्छा लगा। नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम 5 पॉइंट ऐसे होने चाहिए जिसने आपको डिसीजन लेने में हेल्प करी है। आठवां पॉइंट, आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपने आप को आने वाले 1 साल में कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा, काम करेगा, वो भी ये जानना चाहता है आप कितनी तरक्की यहाँ से करेंगे, कहाँ तक पहुँचेंगे। नाइन पॉइंट,
आप अगले 5 साल में अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग में कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि आप अभी 10,000 15,000 20,000 रुपये कमा रहे हों, और जिस व्यक्ति को बता रहे हों वो पहले से ऑलरेडी 1 लाख रुपये कमा रहे हैं, 2 लाख रुपये कमा रहे हैं। लेकिन अगर आपका एम है 5 साल बाद 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपये महीने तक पहुँचने का, और आप उसे एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन करेक्ट प्लानिंग के साथ शेयर करते हैं, तो फिर वो आपके साथ काम करना चाहेगा। और दसवां और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप कैसे लोगों की सर्च में हैं, कैसे लोगों की तलाश में हैं, आप कैसे लोगों की टीम बनाना चाहते हैं, इस पॉइंट के ऊपर आप विशेष ध्यान दीजिएगा।